किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो इंतज़ार कर रहे थे 14वें इंस्टॉलमेंट का, उसका फाइनली डेट रिलीज़ हो चुका है। तो कब का डेट रिलीज़ हुआ है, चलिए उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ आप टाइप करेंगे पीएम इवेंट्स और एंटर करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ pmevents.ncog.gov.in ये ऑफिशियल साइट आएगा, इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। इसको ओपन करने पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको देखिए यहाँ लिखा हुआ है पीएम नरेंद्र मोदी टू ट्रांसफर 14 इंस्टॉलमेंट टू 8.5 करोड़ पीएम किसान बेनिफिशरीज एंड इंटरेक्ट विद फार्मर 28 जुलाई 2023 में ये इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट तक भेजा जाएगा। 11 बजे से ये इंस्टॉलमेंट आना शुरू हो जाएगा। ये ऑफिशियल साइट में यहाँ पे नोटिस दिया हुआ है, तो इसलिए ये गलत बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा DVD के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 14 इंस्टॉलमेंट या 14वें किस्त हस्तांतरण करने का कार्यक्रम 28 जुलाई 2023 को 11 बजे से आपके अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको अभी बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना है, आपको 28 जुलाई को ही अपना अकाउंट को चेक करना है, वो भी 11 बजे दिन के बाद ही चेक करना होगा। 14वें किस्त का लाभ वही किसान ले पाएंगे जिसका 13वें किस्त आया हुआ था। कोई गड़बड़ी उसमें नहीं था, आपका अकाउंट NPCI से लिंक किया हुआ था और आपके अकाउंट में KYC था। अभी भी अगर आपके अकाउंट में KYC नहीं किया हुआ है तो आप अपना KYC कर लीजिए, उसके बाद ही आपको ये पेमेंट मिलने वाला है। अगर आप सोचते हैं कि ऐसे ही मिल जाएगा तो बिल्कुल नहीं, पैसे आपके अकाउंट में इस तरह नहीं आएगा। तो अगर आप एक बार भी KYC कर चुके हैं तो आपको दोबारा KYC करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, वो पैसा ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपको सिर्फ यही चेक करना है कि आपका अकाउंट NPCI के सर्वर से लिंक किया हुआ है या नहीं है। NPCI के सर्वर से लिंक करने के लिए आप अपने बैंक से जाकर के कॉन्टेक्ट करना होगा। अगर आपका लिंक किया हुआ नहीं है तो बैंक जाइए, वहाँ बताइए मैनेजर को कि मुझे अपना अकाउंट को NPCI के सर्वर से लिंक करवाना है, तो वो NPCI के सर्वर से लिंक करवा देगा, उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा आया करेगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप पोस्ट ऑफिस में जाके खाता खुलवाइए, वहाँ आपका ऑटोमेटिक NPCI के सर्वर से लिंक हो जाता है, तो वो पैसा ऑटोमेटिक आपके वही अकाउंट में जाया करेगा। सो यही था अपडेट। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह का अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।